भृगु जी ने लात मार दी भगवान को, और अच्छी खासी लात मार दी। ऐसी लात मारी, इतने जन्म बीत गए लेकिन आज भी वो चिन्ह छपा हुआ है, द्वारकाधीश के भी लगा हुआ है। तो लक्ष्मी जी कह दी, जो मेरे पति का अपमान करे मैं इनके पास नहीं जाऊंगा, पंडितों के घर तो जाना ही नहीं है मुझे। अच्छा, भृगु जी ने कहा देवी मत आओ, अरे हम भी ऐसे एक संहिता का निर्माण करेंगे, तुम नहीं भी जाओगी, तुमको आना पड़ेगा। भृगु संहिता का निर्माण कर दिया, और उस भृगु संहिता को पढ़ने वाला ब्राह्मण यदि जंगल में भी चला जाए, सच मानना वहां भी लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा। ये ब्राह्मण के तेज का और तप का प्रभाव है कि लक्ष्मी को भी वह फटकार देता है, डांट देता है। इसलिए ब्राह्मण को दान दिया जाता है, दक्षिणा दी जाती है, भीख नहीं दी जाती। कुछ लोग ब्राह्मण को भीख देते हो तो वो भूल जाएं, भीख भिखारी को दी जाती है, ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है। और ब्राह्मण चारों कुलों में श्रेष्ठ है, ब्राह्मण जैसा तपस्वी नहीं हो सकता दूसरा। आजकल कुमार्ग पर चलने वाले कुछ दुष्ट लोग, ऐसे पाखंडी लोग हैं, धूर्त हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। सोशल मीडिया पर अनेक अनेक प्रकार की वीडियो बना करके डालते रहते हैं, पंडित जी ये ब्राह्मण ऐसे। वैसे कहीं ना कहीं कुछ ब्राह्मणों की भी कमी है, लेकिन फिर भी मैं इतना कहता हूं, जो हमें परमात्मा से मिलने का मार्ग प्रशस्त करता हो, धर्म अधर्म की शिक्षा देता हो, असत्य सत्य का विवेचन करता हो, ऐसे ब्राह्मण के प्रति ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। क्या किसी ब्राह्मण ने किसकी प्रॉपर्टी नाम कराई है? किसी ने नाम करी है प्रॉपर्टी? अरे तुम जो अपने हाथ से देते हो, ब्राह्मण खुशी खुशी लेके जाता है, आशीर्वाद देके जाता है, तुम्हारे घर में यज्ञ कराता है, भगवान सत्यनारायण की कथा करता है, पूजा पाठ कराता है, तुम्हारे बच्चों को संस्कारी बनाता है। यदि संस्कारी नहीं बनेंगे आपके बच्चे तो तुम्हारा पूरा खानदान नरक में जाएगा। और उसी ब्राह्मण के प्रति आप ऐसी ऐसी बातें करते हो, तुमको चल्लू भर झूम के पानी में मर जाना चाहिए। इन लोगों के पास और तो कुछ है नहीं, बस एकमात्र हमारे धर्म की खंडन करना, हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी करना, साधु महात्माओं पर टिप्पणी करना। अरे कुछ अच्छा और कर लो, कि तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे धर्म ने, क्या तुम्हारे जमीन ने यही तुमको सिखा दिया, ऐसे ही करना सिखाया है? बस बुराई करना। और आप भी लोग ध्यान रखें, हम लोग बहुत सहनशील हैं, अब कितना सहनशील करें? हमारे देवी देवताओं पर, हमारे धर्म पर कितना कुठार किया लोगों ने, और ये सनातन धर्म कितनी आपत्तियों को झेलते झेलते आ रहा है, कम आपत्ति नहीं झेली। कितनी बार हमारे मंदिर तोड़े गए, मस्जिद बनाई गई, क्या क्या नहीं किया हमारे साथ में, लेकिन हम बोले नहीं, क्योंकि हम बहुत सहज है ना, हम में बिकराव बहुत है। हम सोचते हैं दूसरे भाई से हो रहा तो होने दो, जब हमसे बीतेगी तब देखेंगे, लेकिन भूल जाना उससे बीत रही है, एक दिन तुमसे भी बीतेगी, और तुम उसकी आई में नहीं बोल रहे हो तो कल वो तुम्हारे साथ में जो होगा वो भी नहीं बोल पाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है, यहां बैठे उनसे भी और टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, झगड़ा किसी से नहीं करना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है, किसी से द्वेषभाव नहीं करना है, लेकिन कोई हमारे धर्म पर टिप्पणी करे उसको फिर छोड़ना नहीं है, जान चली जाए। अरे मरना तो एक बार है ही, कोई अजरमर नहीं है, मैं भी नहीं हूं, मुझे भी मरना पड़ेगा, लेकिन मरना उसी का सार्थक है जो धर्म पर मरे, जीना भी उसी का सार्थक है जो धर्म के लिए जी। धर्म आपके साथ में है तो मैं आपको बताता हूं, आपकी जय जयकार तीनों युगों में होती रहेगी। हरिश्चंद्र महाराज को देखा आपने, राजा थे, सत्य के पथ पे चल रहे थे और सब कुछ लुट गया। इतनी बड़ी परिस्थिति खड़ी हो गई कि बेटे की मृत्यु हो गई, आप शमशान की चौकीदारी कर रहे हैं और तारा रानी बेटे को फूंकने के लिए पहुंची तो वहां भी कर लिया, और कर में क्या अंत में अपनी साड़ी भी दे दी। लेकिन थोड़े अंत में जाओ आप, अंत में स्वयं भगवान को आना पड़ा। जो धर्म को नहीं छोड़ता है मेरा ठाकुर, पर धर्म उसे कभी नहीं छोड़ता। इसलिए धर्म को कभी मत छोड़ो, हमारे जैसा सनातन धर्म दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। इसलिए अपने धर्म में ही मरना अच्छा है, अपने धर्म में दुखी रहना ठीक है, लेकिन पयो धर्म, दूसरे धर्म में जाना, दूसरे धर्म की सोचना
ये तो इस तरह है, कोई पतिव्रता नारी और दूसरे पुरुष के रूप को निहार। तुम्हारे पास जो पति है ना वही तुम्हारा श्रेष्ठ है, दूसरे का जो पति है ना वो दूसरे का तुम्हारा नहीं है। अब खामा खा उसके रूप को देख करके अपने मन को क्यों बिगाड़ती हो, जो तुम्हारे पास में है वो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, अच्छा है। इसलिए हमारा धर्म जैसा भी है श्रेष्ठ है और सबसे उपयोगी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जितनी सहजता से सरलता से मुक्ति भगवत प्राप्ति सनातन धर्म में होती है और कहीं कैसे हो ही नहीं सकती। भगवान ने कोई नियम नहीं बनाया आप लोगों के लिए, खूब खाओ खूब जाओ कहीं घूमो, बस क्या करना है, बस दो बैठ एकांत मन से एकाग्रत मन से मेरा भजन कर लो फिर कहीं भी जाओ, कोई नियम नहीं रखा। ये मुसलमान लोग देखते हैं, आप मुसलमान लोग कितनी बार नमाज पढ़ते, कितनी बार ऊपर नीचे होते, फिर भी किसी से पूछना कि तुमको मिला तुम्हारा खुदा। लेकिन हमारा भगवान हमारे कण कण में विद्यमान है, हमारे एक एक खूने के कतरे में विद्यमान है। वो इतने नियम करते हैं, हमारा कोई नियम नहीं, और फिर भी हम अपने भगवान को छोड़ करके कहां कहां भटक रहे हैं। इसलिए ध्यान दो, 100 काम छोड़कर के नहाओ, 100 काम छोड़कर के नहाओ, 1000 काम छोड़कर के खाओ, लाखों काम छोड़कर के कमाओ और अरबों खरबों काम छोड़कर के भगवान के नाम को, भगवान के नाम को गाओ, ये सबसे पहला काम होना चाहिए हमारा। बिना भगवान के नाम लिए एक पग भी घर से बाहर नहीं रखना है हमें। और केवल मंदिर तक भगवान नहीं रहे, चलते फिरते आते जाते उस नाम को गाते रहो। भगवान के नाम में कोई टैक्स पैसा थोड़ी लगता है।